हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा श्रीमद् भगवत गीता को कैसे समझें। हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी वो समझ में नहीं आती है, तो उसको समझाने के लिए कई लोगों ने बड़े आसान तरीके बताए हैं। तो ये जो तरीका है ये मैंने कल्याण पुस्तक आई उसमें पढ़ा। उसमें क्या आया कि जब कोई बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो वो केवल इतना ही जानता है कि एक बॉल फेंकेगा और वो बैट से बॉल को मारेगा और वो बॉल जाएगी। फिर उसके बाद क्या सीखता है कि पीछे अगर बॉल लगे विकेट पे तो वो आउट हो जाएगा, और अगर बॉल कहीं दूर जाती है तो उसे पकड़ने के लिए फील्डर होते हैं। तो धीरे धीरे वो बच्चा सब सीखता जाता है। लेकिन अगर शुरू में ही हम उसे कहें कि ये रन आउट होता है, ये लैग बिफोर विकेट है, ये नो बॉल है, ये वाइड है, अगर सारे नियम उसे हम पहले ही बताने लगे तो शायद वो कभी बैट को हाथ भी नहीं लगाएगा, ना ही कोई बच्चा बॉल पकड़ेगा, ना ही कोई फील्डिंग करेगा, क्योंकि नियम इतने हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे खेलता जाता है उसे सब नियम अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। तो कल्याण पुस्तक में भी यही आई है कि आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता के क्षेत्र में उतर जाओ, जैसे क्रिकेट के मैदान में, चाहे वो गली का ही क्यों ना हो, चाहे दो बच्चे ही खेल रहे हों, उसी तरह से आप श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक बार प्रवेश कर जाओ किसी भी तरह से। धीरे 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 सभी श्लोक आपके समझ में आने लगेंगे। एक बार में तो कुछ भी समझ में नहीं आता, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, बार बार अभ्यास करने से ही कोई चीज़ हमें समझ में आती है। तो पुस्तक में यही आया है कि पहले क्रिकेट की पूरी जानकारी करके खेलना शुरू करो तो कभी खेलना आ ही नहीं सकता। उब कर क्रिकेट से छूट जाएगा मन, बचपन में खेला, मन लगा, बड़े होते गए, खेलते गए और सीखते गए, अभी भी खेल जारी है, मनोरंजन भी हो रहा है और जानकारी भी बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक रूप से बिना बड़ी माथा पच्ची किए हुए क्रिकेट की जानकारी हो जाती है, अलग से नियम सीखने नहीं पड़ते, धीरे धीरे आ जाते हैं। वो कहते हैं इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना है। गीता में रुचि लो, गीता को थोड़ा थोड़ा समझो। सार गीता ज्ञान एक साथ क्यों प्राप्त करना चाहते हो? आप क्यों चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि गीता के सभी अध्याय एक बार ही हमें समझ में आ जाएं? तो कहते हैं जैसे क्रिकेट में अधीर नहीं हुए, केवल आनंद से खेलते थे, धीरे धीरे कितना कुछ समझ गए। थोड़ा सुनो, पढ़ो, आचरण में लाओ। गीता को आचरण में लाने वाले किसी साधक के पास बैठो, पुस्तकें पढ़ो, उनसे पूछो, समझो, पुनः आचरण करने का प्रयत्न करो। न तो गीता इतनी सरल है कि एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए, और गीता भैया इतनी कठिन भी नहीं है कि श्रद्धा से बार बार पढ़ने और समझने का प्रयत्न करने के बाद भी कुछ समझ में न आए। गीता पढ़ो और जितना समझ में आए उतना आचरण में लाने का प्रयत्न करो, फिर पुनः पढ़ो, बार बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तुम्हें गीता समझ में आती जाएगी। श्री गोपाल लालजी बर्मन जी ने ये बातें हमें कल्याण पुस्तक में पढ़ाई बताई हैं, जो मैंने आपको बताई। तो इस तरह से आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे श्लोक श्लोक का अर्थ और वो फिर हमें प्रैक्टिकल रूप में हमारे जीवन में काम आने लगेंगी। हम सभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन सीखते सीखते जो समझ में आता है वो आपको बताता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे भी मैं श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े हुए वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।